सो ये हम जब मेरे ननद के यहाँ पे गए थे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया, वहाँ से आ रहे थे तभी का ये है। और गुनगुन मस्ती कर रही थी तो मैं उसको ऑटो में खेल रही थी। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल संगीता ऑफिशियल ब्लॉग। सो आज अभी संडे है तो आज खाने में तो मैंने नॉर्मली सुबह मॉर्निंग में आलू का पराठा बनाया था, फिर पुलाव बना था, तो अभी रात की फरमाइश पे, ससुर जी की फरमाइश पे बन रहा है यूपी का ऑथेंटिक डिश निमोना चावल रोटी। आज मैं वो बना रही हूँ एंड आज ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और ये कढ़ाई देखिए हमारी गर्म हो चुकी है, तो मैं पहले आलू है जो हमारा वो तल के रख लूँगी। देखिए वटाना जो हम छील के इसको मतलब फ्रिज में रख देते हैं ताकि फ्रिज में जगह कम ले। सो ये देखिए तेल गर्म हो चुका था, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया था, आप भी वही यूज़ करना। उसको तल के निकाल लिया, फिर मैंने देखिए ये कांदा लिया था तड़के में और जीरा और हींग सूखी मिर्ची डाल दिया। एंड मेरी रोटी अच्छी नहीं बन रही थी तो मैंने तवा भी चेंज कर दिया एंड फाइनली अब मेरी रोटी अच्छी बन रही है। दो दिन से मेरी रोटी फूक नहीं रही थी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। सो हस्बैंड भी बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा रोटी कड़क है और ये किचन का हाल देखिए पागल गुनगुन है। ये बात तो सही बोला गुनगुन आपने, ये बात तो सही है, गुनगुन पागल है। हाँ गुनगुन पागल है, बोलो मम्मी है। नहीं गुनगुन है ना, कौन पागल? वो चाचू पागल है, चाचू पागल। हाँ। चाचू पागल। पियो पियो दूध पियो दूध। बोलो मम्मी पागल हो पापा। हाँ आ गई मम्मी, सासू माँ आ गई पीछे से। अरे और ये गेम देख के ना मुझे मेरे बचपन की याद आ गई कि हम भी बचपन में थे, खो खो बोलते आई थिंक सो उसको, तो वो खेल रहे थे बच्चे लोग, सो याद आ गया। और स्कूल वगैरह में भी हम खेलते थे। फिर हमारा मैंने पार्सल मंगाया था मीशो से, बहुत कहने पे मेरी कज़न सिस्टर है ज्योति, उसके कहने पे कि दीदी अच्छे आते अच्छे आते, मैंने मंगाया, देखे क्या आया है, कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जॉनी जॉनी लुक आ रहा है मुझे, ईटिंग शुगर गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। टेलिंग लाए, ओपन योर माउथ जॉनी जॉनी, ईटिंग शुगर टेलिंग लाए, ओपन योर माउथ। जाना है शॉपिंग, जाना है कहाँ जाना है? शॉपिंग जाना है। अरे बाप रे पिद्दू भर की हो, आपको शॉपिंग पे जाना है? अरे बाप रे सुन लो भाई, इनको शॉपिंग पे जाना है, कौन लेके जाएगा गुनगुन को शॉपिंग पे? मेरे से क्या बोल रहे हो, पापा से बोलो, पापा के पास मनी रहता है, मम्मा डोंट हैव मनी। ओके टेल योर फादर, टेल योर फादर, ओके शॉपिंग पे पापा ले जाएंगे, मम्मा नहीं ले जाएंगी। हाँ हाँ पापा शॉपिंग चल ना, शॉपिंग पे देखो मुझे कैसे शॉपिंग पे जाना है इस लड़की को बताओ, पिद्दी भर की है नहीं है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? बाय 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 बाय। ऐसे क्या है ऐसे? अरे नहीं बताऊंगी, नहीं दूंगी फोन। ऐसे क्या, ऐसे क्या, अच्छा ऐसे करो, ओ माय गॉड। डॉगी बुलाओ, डॉगी को बुलाओ, डॉगी आ जाओ, डॉगी आ जाओ, डॉगी आ जाओ, निकलो ओए बाहर निकलो, अभी बाथरूम साफ करना है पूरा, निकलो टाइम पास मत करो, निकलो बाहर निकलो, गुन्नो बाल्टी में से उठा के भी उसमें पानी डालते ना पौधों में डाल दूंगी, निकलो उठो उठो दादी दादी। ये
देखो गुनगुन की दादी ने गुनगुन को जबरदस्ती बाथरूम से पकड़ के लेके आ गई हैं। और ये लड़की की मस्ती देखो, दादी ने नहलाया और बाथरूम में थोड़ा छोड़ के टॉवल लेने चली गई, तो गुनगुन मस्त इंजॉय किया। मस्त इंजॉय किया ना, मस्त इंजॉय किया। सुना आप लोगों ने, मस्त इंजॉय किया। कितनी अच्छा लगा, अच्छा लगा। दादी को क्यूटी क्यूटी कर रही हो, क्यूटी क्यूटी। अरे बाप रे, क्यूटी क्यूटी। अच्छा अभी अभी पोछ लो, अभी दादी को पोछने दो, ठंडी लग जाएगी, छद्दी हो जाएगी बेटी को। दादी को किसी कर दो, टिका टिकली निकाल लेगी लड़की, निकाल लेगी वो, यही करती है। टिकली लगा दो, बता रही है। लगा दे, हाँ लगा दे, कुटी 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 कुटी। ऐसे ऐसे और यह महारानी हमारी दूध नहीं पीती है, इनको दूध पिलाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। पकड़ में तो पकड़ के हाथ पैर पिलाती हूँ, तो उसके दादू को प्यार से पिला रहे थे। नहीं नहीं, पीलो पीलो पीलो, पहले पीलो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, पहले पीलो पीलो, फिर जाएंगे ना बेटा, मीडिया देखेंगे। और फिर हम गए थे जैसे शॉपिंग पे, गुनगुन का ऑर्डर था तो उनके लिए हम गए थे जूडियो कपड़े लेने। और मैंने अपने लिए भी मतलब देखा था, बट मुझे उतना जमा नहीं, फिर उनके लिए शूज़ लिए, तो उनको पूरा प्रॉपर शॉपिंग करा दिया, ताकि वो अभी जैसे उसने आगे की वीडियो में बोला शॉपिंग पे जाना है, शॉपिंग पे जाना है। और ये दीदी हमारी पूजा कर रही थी पिछले आधे घंटे से, मुझे परेशान कर रही थी, अगरबत्ती गर्म जला के इनको चाहिए था, पूरा पूजा कर रही थी लड़की, एंड रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने उसको मैनिपुलेट भी किया कि एटलीस्ट पूजा ना करे, बट ये लड़की मानी नहीं, तो आधे घंटे तक अगरबत्ती लेके घुमाती रही दादी का देख के। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं बैंगलोर का है, और ये जो शिवलिंग है ये बैंगलोर में कोई तो मंदिर है, जो कि ये जो क्लिप भेजा गया है, मुझे आया है क्लिप कहीं से, और मेरे जीजू ने भेजा। और ये देखिए नंदी महाराज कितने बड़े हैं, और पूरा शिवलिंग ही शिवलिंग है यहाँ पे। और भी था तो मैंने वीडियो इतना ऐड नहीं किया कि आप लोग बोर मत हो जाओ देख के, बट इतना शिवलिंग था, तो एक बार हर हर महादेव कमेंट में तो ज़रूर लिखना। और ये कुछ गुनगुन की यादें मेरे पास थी, तो मैंने सोचा इसमें डाल दूँ यूट्यूब पे ब्लॉग में, तो एटलीस्ट मेरे पास एक मेमोरी भी हो जाएगी। सो गुनगुन हमारी तब चलने लगी थी, एक साल वही उसको हुआ था, तो वो चलने लगी थी, तो उसका देखिए मैंने मतलब ये व्लॉग बनाया था, व्लॉग नहीं था एक्चुअली, स्लो मोशन वीडियो था, जो मेरी कज़न थी ना जो दिल्ली से आई थी, तो उनके साथ में और ये हस्बैंड गांव गए थे ना, तभी साइकिल चला रहे थे, देखिए कैसे चला रहे हैं। अरे हाथ से दिया फोटो डाले, हाथ से मस्ती करो, हाय निकल गए। हां हम तो निकल गए। और ये मुंडन का है, हस्बैंड मेरे गांव गए थे, अपने गांव नहीं मेरे गांव गए थे अयोध्या, तो ये अयोध्या में मुंडन हो रहा है मेरे दोनों भतीजों का, वहाँ का वीडियो है। और मेरी हालत देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी तभी मैं। गुनगुन बोलो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, कोई कुछ बोला ही नहीं गुनगुन। अब वो चाय, अरे मेरा अगर चाय का एक बूंद गिरा इधर। हाँ बाबू, आहार की कमी है बस। और आरुष की मैं तो आरुष को भूल ही गई। और ये सारे कजिन्स वगैरह हैं, दीदी के बच्चे हैं, मेरे भाभी के बच्चे हैं, छोटे भाई का बच्चा नहीं है, और ये साइड वाली छोटी सी थी वो मेरी बच्ची है, तो कितना अच्छा लग रहा है तो देख के। और ये जो क्लिप है ये हम त्र्यंबकेश्वर गए थे, पूरी फैमिली हम मिनी बस करके गए थे, तभी का है ये, तो काफ़ी ज़्यादा रश थी, तो साक्षी हमारी वीडियो बना रही थी। एंड ये देखिए ये गुनगुन के नामकरण का है, हम पूजा में बैठे थे, साड़ी वगैरह मैंने पहना था, तो तभी कैसे सी सेक्शन हुआ था, तो साड़ी वगैरह मैंने निकाल दिया था, तो हस्बैंड भी ऐसा लगता है उन्होंने भी निकाल दिया, और नॉर्मली देखो कैसे टी शर्ट पहन के आ गए, तो नामकरण बेबी का हमारे चल रहा था। और ये दोनों फ्रेंड एक गरबा का है, देखिए दोनों फ्रेंड अपने अपनी बेटी को लेके गरबा खेल रहे थे, आगे में हस्बैंड के फ्रेंड पीछे थे।
और ये हमारी सोसाइटी में नवरात्रि में फैशन शो हुआ था, तो उसमें मतलब देखिए जैसा भी आता है हमने किया था एक लेडीज से अप्रिशिएट करने के लिए। और ये नवरात्रि का ही था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था, गुनगुन हमारी जैसे कि लिटिल कान्हा बनी थी, और ये देखिए यहाँ वहाँ आवाज़ से परेशान हो रही थी, वो यहाँ वहाँ देख रही थी, तब उसको बुला रहे थे, सोसाइटी वाले काफ़ी ज़्यादा प्यार करते, टचवुड, और खेलती भी रहती है वो। और ये मेरे कज़न्स आए थे ना, तभी हम जू गए थे, तभी का थोड़ा क्लिप था। और ये देखिए मेरी शादी हो गई थी तभी का क्लिप है, ये फरवरी में मेरी शादी हुई थी, एक साल हो गया था तभी मैं गई थी मेरे गाँव ठंडी में, तो ये देखिए हम कैसे सब दिख रहे थे, पहले कितनी पतली थी यार मैं, अभी कितनी मोटी हो गई हूँ, और सारी मेरी सिस्टर भी यहाँ